व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पढ़ाई जो है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, एक माइंड में प्रेशर आ रहा है और कई सारी और भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खासकर रिलेशनशिप वगैरह को लेकर। तो देखिए, मैं यहाँ पर बस एक बात कुछ कम शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसा टाइम है, अगर आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लगाकर अपने गोल को अचीव कर ले जाओगे, तो जो भी आप आज की डेट में चाह रहे हो, किसी के साथ में रिलेशन में जाना या फिर कोई भी और भी टेंशन जो प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी जरा सी देर में साइड में हो जाएगी। आप लोग जो भी करना चाहोगे, हर एक इंसान आपको ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर रुक कर अगर आप लोग डिप्रेशन में जाते हैं, किसी रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सीधी सीधी ये होगी कि आप लोग अपना गोल तो अचीव कर ही नहीं पाएंगे और जो आप लोग चाह रहे हैं, किसी के साथ में शादी करना, किसी के साथ में प्यार करना, वो सारी चीजें, वो भी आप लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि हाथ में अच्छा करियर होगा, जॉब होगी तो वो मिलने के चांसेस हैं, पर लेकिन अगर जॉब करियर नहीं होगा तो कुछ भी मिलने के चांसेस नहीं है। तो अब आप लोग देखिए, समझदारी किस में है? समझदारी इस चीज में है कि सारा जो भी फोकस है वो आप लोगों को अपने करियर पर लगाना है, और एक बार को करियर अचीव कर लिया उसके बाद में आपके पेरेंट्स भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। वो नहीं पता, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो बढ़ जाती है। तो एक अच्छा दिमाग लगाने का यही एक आप लोग बोल सकते हैं, एक अच्छे इंसान को अंडरस्टैंडिंग का यही एक तरीका है कि आप लोग चीजों को समझे कि कहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और कहां पर कम प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कहां से आप लोगों की जो इच्छाएं पूरी हो सकती है और कहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी और जो है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये टाइम बड़ा ही क्रूशियल है। बस एग्जाम के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए आज के डेट में आपको। एग्जाम क्लियर हो जाए फिर आप लोग जो मन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फिलहाल एग्जाम पर फोकस करो, ओके? आज है सैटरडे, सैटरडे को होता है आप लोगों का मैथ बेस्ड क्वेश्चन, वो सॉरी रिवीजन। सैटरडे और संडे में जो भी आप लोगों ने अब तक डिस्कस किया उसको जाकर रिवाइज क्या कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है? तो इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस दीजिएगा। तो जो भी हम लोगों ने पूरे वीक में यहाँ पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है जो जो भी हम लोगों ने लेख डिस्कस किया है। बस एक छोटा सा काम करिएगा, लेख का नाम लिखिएगा और उसके राज्य, किस राज्य में वो पड़ती है, यानी कि कौन से स्टेट में है, वो आप लोगों को लिखना है। इससे आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा जो भी हम लोगों ने पूरे वीक में डिस्कस किया है। बाकी सैटरडे है तो सैटरडे को आप लोगों का ऐसे होता है जो कि काफी लंबे समय से आप लोग वेट करते हैं। तो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये बात बोली थी, जिस किसी ने भी लास्ट वीक वाला जो लेक्चर देखा होगा सैटरडे को उसको मालूम होगा, मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को तीन ऐसे एक साथ में दूंगा और आप लोगों कंटेंट अगर आप लोगों के पास में होगा, जरा सा कंटेंट का एयर फेयर कर आप लोग ये सारे ऐसे लिख सकते हैं, और ये पास्ट में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इनमें से, ठीक है? सबसे पहला पढ़ के बता देता हूं आप लोगों, सोशल मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो सोशल मीडिया है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के अंदर में। मतलब तीन स्तंभ कौन से हो गए, पहले तो यही कंफ्यूजन रहता है। एक हो गया लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कि उसको इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी हो गया जो कि जस्टिस सिस्टम को एक तरीके से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिए। तो ये फोर्थ पिलर यहां पर मीडिया को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जनता को अवेयरनेस फैलाने वाला पिलर है ये, तो इसलिए इसको फोर्थ पिलर बोलते हैं। पर लेकिन फोर्थ पिलर अगर ढंग से काम करे तो एक तरीके से क्या हो गया, डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छा, एक तरीके से सपोर्टिव हो गया। पर लेकिन दूसरी साइड में मैसेज ये भी आता है कि मीडिया इज नो मोर ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो मीडिया है वो यहां पर, मीडिया या फिर सोशल मीडिया, आप लोग वर्ड जो है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया, मीडिया क्या हो गया, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, इसी के साथ में आप लोग जो आप लोग रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे या फिर राज्यसभा की जो न्यूज हो गई वो मीडिया है जो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। सोशल मीडिया जहां पर आप लोगों की सोशल प्रोफाइल है, मतलब आप लोगों की फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीजें, और आप लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, तो इस तरीके से सोशल मीडिया, तो एक तरीके से मीडिया के अंदर ही सोशल मीडिया एक पार्ट है, सबसेट आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, याद होगा आप लोगों, NPR, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक बड़ा, एक आप लोग बोल सकते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक बक्सा है, और जो यहां पर जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NCR, इस बक्से के अंदर एक किताब रखी हुई है कोई, ठीक है? तो ये इसका एक पार्ट बन सकता है आगे चलकर। इसी तरीके से सोशल मीडिया एक छोटी टर्म है, मीडिया के अंदर ही सोशल मीडिया को आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो मीडिया एक बड़ी टर्म हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो कई बार ये एक तरीके से फोर्थ पिलर है, यहां पर बोला फोर्थ पिलर नहीं है, पर इसी के साथ में ये भी यहां पर आप लोगों से पूछा जाता है, ये भी निबंधी है, बायस मीडिया इज ए रियल थ्रेट, मतलब एक तरीके से खतरा है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। अब यहां पर इंडियन डेमोक्रेसी भी आ सकता है और यहां पर बस डेमोक्रेसी भी आ सकता है। तो ये जो आप लोग जब पढ़ेंगे निबंध को, आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग यही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है, एक एक टर्म को ढंग से समझना है और उसको ऐसे को उसी थीम के फोकस में लेकर आप लोगों को चलना है, ठीक है? तो अगर आप लोग यहां पर ये इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है तो आप लोग कंटेंट इकट्ठा करके इसके ऊपर एक ऐसे लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहां पर आप लोग समझाने का यह है कि थीम बेस्ड आप लोग अपना कंटेंट तैयार कीजिए। थीम बेस्ड कंटेंट का मतलब क्या होता है,
जैसे यहां पर अभी मीडिया के बारे में बात की जा रही है, तो मीडिया के बारे में आप लोगों के पास में इतना डेटा होना चाहिए कि मीडिया के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग उसके प्रोज और कॉन्स और किस तरीके से एक अच्छा कंक्लूजन देकर बॉडी बनाकर एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। निबंध कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, सर्च कर सकते हैं जाकर कि ऐसे कैसे लिखना है बाई वीर, या फिर आप लोग जो आंसर राइटिंग कैसी करनी है बाई वीर, तो वो आप लोग आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को वो टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर रखा है, टेलीग्राम पर ऊपर ही पिन कर रखी है वो सारी चीजें। जब टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन करते हैं ना तो ऊपर ही 8-9 वीडियो है वो सारी प्रिपरेशन की है आप लोगों की, कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करके चलनी है, तो वहां से भी आप लोग जाकर डायरेक्ट उनको देख सकते हैं। तो थीम बेस्ड कंटेंट का मतलब यहां पर ये है, मान लीजिए वुमेन एंपावरमेंट की बात की जा रही है, वुमेन एंपावरमेंट के बाद रिलेटेड आप लोग इतना कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, डेटा इकट्ठा कर लीजिए, ताकि वुमेन से रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो आप लोग वहां पर उसको यूज कर सके। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरीके से डेथ पेनल्टी के बारे में कई बार बात की जाती है, तो ये अभी रिसेंटली कई बार न्यूज में भी था, कई सारे लोगों को जैसे डेथ पेनल्टी को लेकर कई बार चीजें न्यूज में आती है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, इसके एप्लीकेशन क्या है, तो ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जो आप लोग तैयार करके लिख लीजिए। फिर आप लोग अगर कोई ऐसे आ रहा है तो उसका कुछ कंटेंट आसानी से आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं और आप लोग की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी। तीनों निबंध को अलग अलग लिखने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि ऑलरेडी मैं इनमें से दो लिखवा चुका हूं, एक बचा हुआ है, ये वो पास में अगर आप लोग उठाकर देखेंगे आप लोगों का कंटेंट जो है ना वो मोर और लेस सिमिलर नजर आएगा, यानी कि ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस आप लोगों को उसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा कि कहां पर क्या चीजें पुट करनी है। और ये कैसे आएगा, ये आएगा राइटिंग प्रैक्टिस से, जैसे जैसे आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग चीजों को समझते जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे देखिए आप लोग जैसे कोई गाड़ी लेकर आप लोग चलते हैं ना अगर अंधेरे में, तो आप लोगों को ज्यादा दूर तक चीजें देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए जहां तक आप लोगों को रास्ता दिख रहा है यहाँ पर 3-4 मीटर, अगर चलेंगे फिर आगे फिर 3-4 मीटर और दिख जाएगा, फिर आगे चलेंगे 3-4 मीटर और दिख जाएगा। तो निबंध ऐसे आंसर राइटिंग ये लिखना स्टार्ट कीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आने लगेगा कहां पर आप लोगों को क्या पुट करना है। तो इसका मतलब ऐसे है जैसे कि आप लोग किताब पढ़ते रहे, बस आप लोग अगर तैरना चाहते हैं तो कूदना पड़ेगा आप लोगों को तैरने के लिए। तो यही फंडा, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, लिखने बैठ जाओ यार, साइकिल किसी ने बोला था आप लोगों को चलानी सीखी स्टार्टिंग में, कितनी बार गिरे हो आप लोग, तो वो फंडा आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो ये था आज का ऐसे, इसमें से ये ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों, ठीक है, तो उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। दो दिन है आप लोगों के पास में, और इसीलिए मैंने लास्ट सैटरडे में बोला भी था कि कंटेंट इकट्ठा कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो ऐसे आएगा वो भी इससे मिलता जुलता ही आएगा। तो तीनों में से जो भी बेस्ट आप लोग ऐसे लिखता है आप लोग ऑप्शन ले सकते हैं, इसमें से कोई सा भी एक ऐसे लिखिए अपना ऊपर। और हाँ, जब भी आप लोग ऐसे लिखा करें लिख दिया कीजिए आप लोग कि हाँ ये वाला ऐसे है मेरा, ठीक है, तो टाइटल लिखेगा उसके बाद में ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं आज के जो भी हम लोग को आर्टिकल डिस्कस करने हैं, सैटरडे है तो आर्टिकल कम होते हैं क्योंकि एक जो आर्टिकल होता है यहां पर पूरा पेज यहां पर ग्राउंड जीरो होता है, तो इसको हम लोग यहां पर आज का जो ग्राउंड जीरो है यहां पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे थोड़ा सा, और ये वाला आर्टिकल भी यहां पर इसी से रिलेटेड है, तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जो फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं। अच्छा, जो लेक्चर को फर्स्ट टाइम देखते हैं वो एन लिख दिया कीजिए नीचे, ताकि मुझे पता रहे कि फर्स्ट टाइम लेक्चर को कौन देख रहे हैं, ताकि एक कंटिन्यूटी आप लोग बना सकें आगे और मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कितना बेसिक बताना है। नेक्स्ट, यहां पर ये वाला आर्टिकल और जो ये वाला आर्टिकल है ये ईरान के एक लीडर को अभी मार गिराया गया है यूएसए के द्वारा, उसके बारे में आर्टिकल है यहां पर। ठीक है, तो आर्टिकल को मिलाकर यहां पर डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये वाला है यहां पर, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। केरला की असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में नहीं चाहते इंप्लीमेंट करना। तो क्या राज्य के हाथ में ये हक होता है, ये राइट होता है, अधिकार होता है ऐसा कुछ करने के लिए, तो उसी के बारे में एनालिसिस किया गया है। ये इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग इसको आगे कंफ्यूजन में न आए आप लोगों के। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल में अंदर घुसने से पहले एक नहीं दो आर्टिकल कवर होंगे क्योंकि ये कंबाइन है यहां पर एक ही पैटर्न के बारे में। पहले आप लोग मैप समझिए, यहां पर यह है बात ईरान के बारे में। ईरान है यहां पर आप लोगों के सामने, अगर अपनी कंट्री के रेस्पेक्ट में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यह अपनी प्यारी कंट्री, यहां से ईरान आप लोगों को नजर आएगा, ये हो गया ईरान। ठीक है, ईरान ये वही कंट्री है जहां पर हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ईरान कंट्री। अगर हम लोग शांति रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी हम लोग कुछ सपोर्ट चाहते हैं, तो ईरान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईरान में अगर कुछ भी होता है तो ईरान के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे वर्ल्ड को आप लोग बोल सकते हैं हिलाकर रख दिया। पास्ट में ऐसा नॉर्मली नहीं होता था, पर लेकिन इसके पीछे क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग ईरान को देखिए। ईरान जो है यहां पर पड़ोसी कंट्री, यहां पर इराक, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, यह तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। थोड़ा सा ईरान के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ और इसी के साथ में कैस्पियन सी के बीच में है, तो कौन सी है वो? वो है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। ये जो कंट्री है यहाँ पर इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल, और तेहरान कैपिटल हो गई। मिडिल ईस्ट में ये कंट्री है, इस एरिया को मिडिल ईस्ट बोलते हैं जहां पर ये कंट्री है, और ये इसका फ्लैग हो गया।
आइए अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। हुआ क्या है, यूएसए के द्वारा यहां पर एक पर्सनैलिटी को मारा गया जो कि ईरान के जनरल थे। जैसे आप लोग बोले जैसे हमारी आर्मी के जनरल है, तो उस तरीके से आप लोग समझिए किस पोस्ट की बात यहां पर की जा रही है। तो जो जनरल साहब है यहां पर, इनको यूएसए के द्वारा एक स्ट्राइक में मार गिराया। जनरल साहब का जो नाम है वो है कासिम सुलेमानी। तो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, इनको मार गिराया यूएसए की फोर्स के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ी घटना आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल एक एस्टेब्लिशमेंट में, खासकर उस टाइम पर जब यहां पर ऑलरेडी यूएसए और ईरान के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं है। आखिर कहां से अच्छे नहीं है, तो ये आप लोग यहां पर देखिए। देखिए एक ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी जो कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे उस टाइम पे यूएसए के, उनके द्वारा ईरान के साथ में 2015 में एक डील साइन की गई थी जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील में टोटल मिलाकर P5+1 यानी के 6 मेंबर हैं। ये P5 परमानेंट मेंबर है, यूएसए, चाइना, रसिया, यूके एंड फ्रांस। और इसी के साथ में यहां पर जो यहां पर वन हो गया ये है जर्मनी। अब यहां पर यूएसए ने क्या किया, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुरकराए 2016 में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि वो इससे बाहर निकलेंगे और अपने आप यूनिलैटरली से बाहर निकल गए। तो 2018 में इनके द्वारा बोला गया कि वो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल रहे हैं, और इसी के साथ में ईरान के ऊपर सैंक्शन अनाउंस उनके द्वारा कर दिया गया। तो ये फंडा यहां से और ज्यादा रिलेशन जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खराब कर दिए गए, जो कि ओबामा साहब के द्वारा रिलेशन थोड़े अच्छे किए गए थे। जैसे हम लोग आगे बढ़े, यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये एक फंडा है 8 अप्रैल 2019 का, ईरान का ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड, एक फोर्स है ईरान के अंदर में जिसको ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड बोलते हैं। ये खासकर जो पिक्चर में आई थी जब ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम पर यहां पर ये पावर में आई थी, एक तरह से फोर्स बनाई गई थी। तो इसको यूएसए के द्वारा टेररिस्ट ग्रुप करार दे दिया गया। तो इसका इसी फोर्स का जो पार्ट है यहां पर यह कुर्द, QUDS, ठीक है। तो इस फोर्स को भी ब्लैक लिस्ट यूएसए के द्वारा कर दिया गया। अब यहां पर एक पॉइंट है जो समझने वाला, ये जो फोर्स है यहां पर ये इसके मेजर जनरल थे, ठीक है। अब यहां पर इस फोर्स को यूएसए ने ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यूएसए की आर्मी जो है अब यहां पर इससे रिलेटेड किसी भी मेंबर को अगर मारेगी तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर रही है या फिर ईरान के साथ में कोई लड़ाई करना चाह रहे हैं, नहीं, वो एक टेररिस्ट जो ग्रुप है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और टेररिस्ट ग्रुप को मारने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, इसका मतलब है यूएसए की साइड से। पर लेकिन ईरान को, ईरान में ये फोर्स है, इनको बड़े ही रेस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि एक तरीके से जब रिवॉल्यूशन के साथ में कनेक्ट किया जाता है किसी भी चीज को, आप लोग खुद देख लीजिए हमारी कंट्री में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको हम लोग खूब रेस्पेक्ट से देखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग ईरान के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो फंडा क्या निकल के आया यहां पर, जैसे इसको ब्लैक लिस्ट किया गया, अब ईरान भी शांत बैठने वाला तो था नहीं, तो ईरान ने क्या किया, ईरान हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं किया गया ईरान के द्वारा, पर लेकिन कंडीशन क्या देखने को मिली, 12 मई 2019 में 4 शिप जो थे इंक्लूडिंग 3 ऑयल टैंकर उनके ऊपर अटैक किए गए गल्फ वाले रीजन में, और गल्फ ऑफ ओमन वाला जो रीजन है यहां पर इसके द्वारा 2 टैंकर और यहां पर जो कि नॉर्वे और जापान के टैंकर थे उनके ऊपर अटैक किया गया। इसी के साथ में यूएसए का जो ड्रोन था वो भी मार गिराया गया ईरान के द्वारा। ये सारे जो फोर्स बोले गए, ये बोले गए कि एक तरीके से जो 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 यहां पर यूएसए के द्वारा जो स्टेप उठाया गया है उसका रिटेलिएशन है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने क्या क्या अनाउंस कर दिया, जो हार्ड लाइनर है यहां पर यूएसए के जैसे ईरान के जैसे अली खामी, ठीक है। तो यहां पे एक रिलीजियस लीडर इनको माना जाता है, और ये जो आर्मी जो पर्सनल थे ये काफी एक करीबी इंसान थे अतुल्ला खामी के। तो इसी के चलते यहां पर जो यूएसए ने क्या किया, अनाउंस कर दिया गया कि हाँ ये जो है इनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिया जाए। यानी कि होता क्या है बेसिकली, अगर कोई ऐसे सैंक्शन लगाए जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि करेंसी जो है इनके डॉलर वगैरह तो यूज करने के लिए बिल्कुल ही रोक दिया जाता है, जो भी इनके ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं यूएसए का अगर कुछ भी हाथ हो तो वो उसको रोक देते हैं। तो इसके चलते यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा कई सारे ऐसे स्टेप यहां पर उठाए गए। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो यूएसए की जो मिलिट्री है वो यहां पर ईरान के जो ड्रोन है उसका रिप्लाई नहीं किया उन्होंने, क्योंकि देखिए ईरान ने मार गिराया, तो यूएसए ने बोला कि हमारे ऊपर कोई ऐसा ये एक तरीके अटैक नहीं है, ये एक तरीके से उन्होंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। पर लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट आप लोग बोल सकते हैं उस टाइम पर। आगे चलकर क्या हुआ, यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली, जिसके चलते जो यहां पर ईरान जो था, जो ईरान के अंदर जो अटैक करने की कोशिश की गई यूएसए के द्वारा बदला लेने के लिए, उसी के चलते कई सारे एरियल अटैक फिर यहां पर देखने को मिले, कहां पर, सऊदी अरेबिया के जो ऑयल टैंकर फैसिलिटी है उनके ऊपर। तो ये भी कहीं ना कहीं जो ये सीरीज चली हुई आर्थिक इवेंट इसी का एक पार्ट इसको बोला जा रहा है। ट्रंप के द्वारा हाईएस्ट सैंक्शन अनाउंस कर दिए गए जो ईरान का सेंट्रल बैंक था उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक है उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे तो उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया चलती हुई आ रही थी उसी का ये एक आउटपुट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है ना, पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन आज के डेट में बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम बर्बाद हो गए, पूरे इवेंट चले हैं
पहले उरी अटैक हुआ, उसके बाद में आगे पहले उससे पहले अगर आप लोग देखेंगे पूरा उरी अटैक हुआ, फिर हमारे द्वारा यहाँ पर एक स्ट्राइक की गई, फिर आगे चलकर ये आप लोगों को पुलवामा अटैक, फिर बालाकोट स्ट्राइक, तो पूरा इवेंट चलता है, उसके बाद में सिचुएशन बनती है। तो ऐसा ही कुछ इवेंट यहाँ पर चल रहा है पूरा, और इस इवेंट में यहाँ पर जो अभी ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सारी कंडीशन जो अभी 3 जनवरी को यानी कि जो कल वाले दिन ये इन कमांडर साहब को मार के गिराया, ये उसी का एक इवेंट का पार्ट था, और यहाँ पर इराक के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चला था और इनको इराक में मारा गया है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है आपका, ये पूरी सिचुएशन आप लोगों के सामने है, मेरा मैंने पूरा आप लोगों को एक बेसिक बता दिया कि क्या क्या कंडीशन कहां पर चल रही है, अब आप लोगों के माइंड में पूरी क्लैरिटी होगी। अब थोड़ा सा इसको और यहां पर अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और ये भी बताऊंगा कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो है यहाँ पर आप लोगों से जनरल स्टडी जो पेपर सेकंड है वहां पर पूछा जा सकता है कि क्या आज के में सिचुएशन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, और इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसको एक्ट ऑफ वॉर बोला गया है, यानी कि किसी भी शांत कंट्री में एक इस तरीके से उसके जनरल को मार देना, तो सीधा सीधा मतलब है उसको एक तरीके से आंखें दिखाई जा रही है कि तुमको जो करना है कर ले, हम तो ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है, तो एक तरीके से इलेक्शन भी आ रहे हैं 2020 में यूएसए के, तो कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों से एक तरीके से लोगों को भटकाने के लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। यानी कि मतलब यहाँ पर यह है कि इलेक्शन का मुद्दा यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान के ऊपर, ये इस तरीके का अटैक कर ये बात है। यहाँ पर फ्राइडे में अभी एसोसिएशन किया गया यहां पर इनके मेजर जनरल का, ये कुड्स QUDS, ठीक है, फोर्स का नाम याद रखिएगा, ये ईरान के अंदर की है। तो ये जो है ये जो फोर्स है काफी लंबे समय से एक इंपॉर्टेंट फोर्स यहां पर मानी जाती है, और यहां पर इसके एक चीफ को मार देना, तो ये फुल स्केल वॉर आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएसए ने इन्वाइट की है। तो इसके चलते जो इराकी जो सिया मिलिटेंट मेंबर है, देखिए ईरान जो यहां पर बात की जाती है, ईरान और इराक की क्यों बनती है कई बार इस तरह की कंडीशन, तो ये सिया और सुन्नी वाला जो खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में फंडा देखने को मिलता है, उसके चलते ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। जो आपस में भी कई बार नहीं बनती है, इसीलिए जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है उनमें खुद में भी आप लोगों को शांति नजर नहीं आएगी, क्योंकि कई तरीके अलग अलग जो सेक्ट हैं इस तरीके से डिवाइड होते हैं, सिया सुन्नी और भी कई सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर इनके आपस में भी नहीं बनती है, तो इसलिए यहां पर इन कंट्री में ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अभी यूएसए की जो एम्बेसी थी इराक में, काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चला था वहां पर, काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठे खड़े हुए थे, हालांकि जो यूएसए की फोर्स है वो पहुंच गई वहां पर टाइम पर, और फिर एम्बेसी में जो लोग थे उनको वहां से बचाया गया, तो वो सिचुएशन अलग है। अभी बात क्या की जा रही है, अभी जो यहां पर ईरान की अगर आप लोग देखते हैं यहां पर, खासकर जो ईरान में जो पावर है वो जिस तरीके से हसन रूहानी साहब प्रेसिडेंट है वहां पर, और जो हार्ड लाइनर है वहां पर, वो हमेशा से पहले से जब ईरान की जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी यूएसए के साथ में, तब से ही मना कर रहे थे कि यूएसए के साथ में ये डील साइन मत करो, ये सही डील नहीं है। और जब हसन रूहानी साहब जो कि प्रेसिडेंट है वो जैसे तैसे कर डील साइन कर आए, तो उनको लग रहा था चीजें थोड़ी सुधरेंगी, पर लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उनको झूठा साबित होना पड़ा अपनी कंट्री के सामने। तो इसलिए आज की डेट में जो कहीं ना कहीं हार्ड लाइनर है वो भारी पड़ रहे हैं रूहानी साहब के ऊपर भी, यानी कि रूहानी साहब के जो भी उनके द्वारा स्टेप उठाए गए थे वो काम नहीं पर काए। तो यहां पर सुप्रीम लीडर जो है अतुल्ला अली खामी, तो कहीं ना कहीं उनकी आज के में भी काफी लार्ज स्केल पर कंट्री के अंदर चल रही है, और ये रिलीजियस कंट्री है जिनका संविधान जो होता है वो हमेशा इनके रिलीजन से नीचे होता है, तो वहां पर तो और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे लीडर और बड़ा रोल प्ले यहां पर कराते हैं। तो ये जो यहां पर पर्सन मारे गए हैं ये काफी कनेक्टेड थे यहां पर किसके साथ में, अतुल्ला खामी के साथ में, और एक हार्ड लाइनर पॉपुलर लीडर थे आर्मी जो यहां पर ईरान की मिलिट्री के, तो इसलिए भी यहां पर यूएसए के द्वारा इनको मार गिराना कहीं ना कहीं और ज्यादा इंपैक्ट डालेगा ईरान के अंदर। और इसी के साथ में यहां पर जो ये साहब हैं जो यहां पर जो मारे गए हैं ये आर्मी के लीडर यहां पर, तो ये फॉरन ऑपरेशन जो इनके द्वारा चलाए गए सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, और इसी के साथ में बशर अल असद जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके रिजिम को सेव करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर ऑपरेशन चलाए गए, तो उसमें भी यहां पर पार्ट थे। तो ये जो फोर्स है काफी इंपॉर्टेंट फोर्स यहां पर ईरान के अंदर में मानी जाती है, जिसके यहां पर ये जनरल थे। अगर बात करें इस्लामिक स्टेट को भी वापस एक तरीके से दबाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं यूएसए की हेल्प भी कर रही थी, जहां पर यूएसए जो है वो इस्लामिक स्टेट को हटाने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों तरीके से सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ईरान जो है यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर अपनी फोर्स को तो ट्रेन करते थे, कई सारे जो सिया मिलिटेंट्स हैं उनको भी यहां पर ये ट्रेन करते थे और बैटल फील्ड के लिए तैयार करते थे। जैसे कुर्द कम्युनिटी के बारे में मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, कुर्द कम्युनिटी क्या है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो तुर्की ईरान सीरिया वाले रीजन में अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहती है। ये जो है ये यूएसए को सपोर्ट कर रही थी, और इस कुर्द कम्युनिटी के साथ में मिलकर यहां पर
जो ईरान के ये लोग हैं जिसके लीडर को मारा गया है, ये सपोर्ट करे तो एक तरीके से यूएसए की सपोर्ट में थे, और एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कुर्द कम्युनिटी वाले एरिया और यहाँ पर इसके अंदर में, तो ये यूएसए के सपोर्ट में थे। और इसके साथ में यहाँ पर जो नॉर्थ, जो यहाँ पर नॉर्थ इराक है वहां पर आईएस उसके अगेंस्ट में थे, तो इनडायरेक्ट वे में यूएसए की हेल्प हो रही थी। तो यूएसए को हेल्प करने वाले लोगों को ही यूएसए के द्वारा मार के गिराया गया है। तो यहाँ पर ये एक गलत तरीका है, इस तरीके के यहाँ पर जो कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो रिलेशन है और ज्यादा बर्बाद होने वाले हैं, और इसी के चलते ये जो इनको एसेसिनेट किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है कंप्लीटली, जो भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूएसए और ईरान के रिलेशन उस लेवल पर है जैसे हमारे और पाकिस्तान के हैं, बिल्कुल लो लेवल पहुंच चुके हैं। ऐसे ही यूएसए के और ईरान के रिलेशन आप लोग एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंगल हैंडेड डिस्ट्रॉय किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, पहले न्यूक्लियर डील से बाहर निकले और फिर सैंक्शन लगाए और फिर ऐसी ऐसी हरकतें करना स्टार्ट की गई। तो सारे जो काम किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा वो सिंगल हैंडेड ये सारे काम किए गए हैं। मिस्टर ट्रंप जो है वो जो क्राइसिस यहाँ पर झेल रहे हैं अपनी कंट्री में, इंपीचमेंट उनका हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे दूर करना चाहते हैं लोगों का अटेंशन और एक नया मुद्दा सामने क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कोई भी कंट्री क्यों ना हो इलेक्शन के ऐसे मुद्दे को हमेशा से सामने निकाल कर लेकर आती है और इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये मैक्सिमम कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जब इलेक्शन पास में आते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अगर इस तरीके की सिचुएशन आगे बढ़ती है तो कंडीशन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी। अगर अपनी पॉलिटिक्स को इस तरीके से आप लोग लेकर आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन पर, इमेज तो खराब हो ही रही है। कल भी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, कि किस तरीके से यूएसए की जो इमेज है वो खराब हो रही है। और यूएसए का जो पुलिसिंग स्टेट का एक दर्जा हुआ करता था 1990s में, यूएसए को एक पावर की तरीके से देखा जाता था। आजकल में कोई भी कंट्री है कुछ भी सुनाकर निकल लेता है। अभी कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया तो उसको सुनाते ही रहता है, वो तो चाचा भतीजा वाला रोल चलता है वहां पर। इसी के साथ में ईरान ने सुना दिया उसको, इसी के साथ में और भी कंट्री जो भी पास में आती है जैसे तुर्की सुनाकर चला गया। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी रहती है यूएसए के साथ में। तो यूएसए का एक स्टेटस जो हुआ करता था वो स्टेटस आज के डेट में डाउन हो चुका है। तो जिस रीजन में यहाँ पर ये हरकतें चल रही हैं वो रीजन और ज्यादा अनस्टेबल पहले से ही है, ये और ज्यादा अनस्टेबल अब यहाँ पर हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, अब जो न्यूक्लियर डील होने वाली थी उसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि आगे चलकर ये न्यूक्लियर डील आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि जैसी सिचुएशन में दोनों कंट्री आगे हैं वो एक तरीके से सोवरन कंट्री के ऊपर अटैक की तरीके से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है आने वाले टाइम में प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मिलेगी, जैसे अलकायदा हो गया, आईएस ग्रुप हो गया, ये फिर से रीएमर्ज हो सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा ही तो माहौल इनको चाहिए जिसके तरीके से यहाँ पर ये अपने लोगों को इकट्ठा कर सके और फिर ऐसी हरकतें कर सके। तो ऐसा ही एक ग्राउंड यहाँ पर तैयार हो रहा है। नहीं, जो बात की जा रही है यूएसए के बारे में वो ये की जा रही है कि यूएसए अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। 2001 में इसके द्वारा एंट्री की गई थी यहाँ पर और 18 साल बाद यहाँ पर ये इससे निकलना चाह रहा है। 17 साल पहले इराक के अंदर इसके द्वारा काफी उल्टी सीधी हरकतें की गई थी। इराक आज की डेट तक भी शांत नहीं है, जो हरकतें यहाँ पर की गई थी उसकी वजह से यहाँ पर जिहादिस्ट ग्रुप और कई सारी ये हरकतें देखने को मिली और मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग गई थी। अब फिर से ईरान के अंदर ये हरकतें चल रही हैं, तो ईरान को भी दूसरा इराक बनाने की कोशिश यूएसए कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे आने वाले टाइम तक अनस्टेबिलिटी रहेगी और ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे लिए क्या गलत है, आप लोग ये समझिए। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये, हमारी कंट्री की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इन कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग काफी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही ये दुर्घटना हुई 4% ये हाइक हो गया प्राइस में, यानी कि ऑयल का प्राइस जो था वो एकदम 4% बढ़ता हुआ नजर आया। नेक्स्ट जो बात है यहां पर इंडिया के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट जो बात यहाँ पर की जा रही है, इंडिया ईरान और यूएसए के जैसे जैसे रिलेशन बर्बाद होते हैं तो इंडिया दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ईरान काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ईरान जो है यहाँ पर अगर अफगानिस्तान में हम लोग एंट्री करना चाहते हैं तो ईरान के थ्रू चाबहार पोर्ट के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान में एंट्री करके सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते हैं। तो सेंट्रल एशिया में अगर हम लोग अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन वो तब होगा जब ईरान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। और यूएसए ये बोलता है कि ईरान से हम जो सामान खरीद कर लेके आते हैं उसको करो, और भी कई सारी बातें बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे रहना काफी जरूरी है। ये अफगानिस्तान के बारे में, अफगानी इसकी करेंसी है, काबुल यहां पर इसकी कैपिटल होगी और साउथ एशिया की एक कंट्री है अफगानिस्तान। तो पहली बात हो गई ऑयल प्राइस, दूसरा हो गया हमारे रिलेशन सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। तीसरी जो बात है यहां पर तालिबान के साथ में जो पीस टॉक है यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में, वो भी यहाँ पर ईरान जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि एक तो बॉर्डर हो गया तो तालिबान को हो सकता है कि ईरान भी सह देना स्टार्ट कर दे, जैसे पाकिस्तान नहीं करता है वो हरकतें ईरान भी यहाँ पर करना स्टार्ट कर सकता है। तो उसके चलते और फंडा यहाँ पर एक अलग नजर आएगा। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया और ईरान के रिलेशन को, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो शिया पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, वो ईरान के अंदर है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड माइनॉरिटी
कम्युनिटी है सॉरी, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में और तीसरे नंबर पर इंडिया में। तो हमारी कंट्री में भी काफी लार्ज स्केल पर कम्युनिटी है, और अगर इस कम्युनिटी के साथ में बाहर कुछ हो रहा है तो वो भी रेडिकलाइज हो सकते हैं, हमारी कंट्री के लोग भी वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर नजर आती है। जैसे आईएस में कई सारे लोग गए थे, ठीक है, लगता है कि रिलीजन के नाम पर कई बार लोगों को एक तरीके से अपनी तरफ को मतलब ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। तो ये सब सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकते हैं अगर ईरान में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये महेश सचदेवा साहब के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इस पर्टिकुलर रीजन में काफी लंबे समय तक ये हमारी कंट्री की साइड से रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि यहां पर जो चल रहा है वो किस तरीके से पूरी कंडीशन खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक आप लोगों के सामने पूरा टॉपिक कवर हो गया, अब आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सेंटर और स्टेट के हाथ में कोई ऐसी पावर है, किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, पहले आप लोग समझिए कि हुआ क्या है। हुआ यहाँ पर ये है कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर साहब, इनके द्वारा अभी एक रिजोल्यूशन असेंबली में पास किया गया है। उस रिजोल्यूशन में इनके द्वारा ये बोला गया है, कंडेम्ड किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हमारी कंट्री में। तो क्या राज्य के हाथ में ये पावर होती है इस तरीके से, आप लोग क्या राज्य ऐसा कुछ कर सकता है? और इनके द्वारा और 11 जो राज्य हैं उनके सीएम को यहाँ पर लेटर लिखा है, राइट किया है कि आप लोग भी यहाँ पर ऐसा रिजोल्यूशन लेकर आए, ताकि एक तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी किया जा सके कि हाँ ये सही नहीं है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है। तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, पहले एक एक कर पॉइंट देखते हैं फिर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी यहां पर जो केरला के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में जो रिजोल्यूशन लाया गया है, तो यहां पर ये सेंटर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में एक माहौल बना हुआ है। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए केरला ने क्या किया है, यहां पर केरला के हाथ में पावर नहीं है ऐसे करने की, वो सारी फालतू की चीजें यहां पर सेंटर को नहीं देखना चाहिए। यानी कि केरला जो है हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में ये राज्य है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री को यहां पर टच करता है। तो केरला के अंदर में जो असेंबली में ये प्रस्ताव जो पास किया गया है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ में प्रस्ताव पास किया गया, तो इसको अलग तरीके से यहां पर देखने की बात की गई है राइटर के द्वारा। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये कि हमारे कंट्री में जो असेंबली है, ये माना जा रहा है कि क्या असेंबली के हाथ में ये पावर है कि वो सेंटर के मैटर पर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। देखिए हमारे संविधान में 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक लिस्ट है यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। क्या मतलब है इनका? सेंट्रल लिस्ट में जो सामान है जैसे कम्युनिकेशन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सारे इन मैटर पर सेंटर ही लॉ बना सकता है, स्टेट की कोई पावर नहीं होती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग बात करें, अगर बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, स्टेट के बारे में आ जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। पॉलिटी में मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है, डिटेल में लेक्चर आप लोगों का कवर कर रखा है। ये सेकंड जो लिस्ट होती है ये स्टेट लिस्ट की होती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो स्टेट लिस्ट को यहां पर स्टेट की पावर होती है। जब बात करते हैं यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में, तो दोनों काम कर सकते हैं यहां पर। तो जो सिटीजनशिप है वो कहां पर आता है? वो सेंटर की लिस्ट में आता है। तो राइटर यहां पर स्टार्टिंग में तो ये बोल रहे हैं कि जैसे बोला जा रहा है यहां पर कि सेंटर स्टेट के हाथ में पावर नहीं है, क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो कोर राज्य है यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट इस तरीके से यहां पर उसके ऊपर कोई ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। राइटर जो कह रहे हैं, पहले आप लोग ये देखिए कर क्या रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी का जो लॉ है हमारी कंट्री में संविधान में उसको वायलेट कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है हमारे संविधान में, किसी माइनॉरिटी को हमारी कंट्री में आना और दूसरी को रोक देना, तो उसको आप लोग वायलेट कर रहे हैं। तो डीपली कंट्री यहां पर डिवाइड हो गई है, तो इसके चलते सेंटर और स्टेट का जो आमने सामने आकर खड़ा होना ये लाजमी है, और हो सकता है कि आगे भी ऐसा कुछ होता रहे। तो ये एक तरीका नया एग्जाम्पल यहां पर सेट किया जा रहा है केरला के द्वारा, इस तरीके की हरकतें अगर आप लोग अपनी कंट्री में कर रहे हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यहां पर पिनारी विजयन, तो इनके द्वारा दूसरे जो सीएम है उनको भी बोला गया है कि आप लोग भी आइए, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप लोगों को याद होगा इनके द्वारा एक आर्टिकल भी लिखा गया था द हिंदू न्यूज़पेपर में सुब्रमण्यम स्वामी जाप साहब के द्वारा, फिर उनका रिप्लाई किया गया था उनको क्रिटिसाइज करते हुए, ठीक है, और फिर इन दोनों के आर्टिकल को क्रिटिसाइज करते हुए तीसरा आर्टिकल लिखा गया था। तो आर्टिकल की सीरीज भी यहां पर चली है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही, वो भी यहां पर देखने को मिला। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य के द्वारा यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर यहां पर इस तरीके से अपना जो यहां पर अनसेटिस्फेक्शन है, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन यहां पर लाया गया है। सेंटर जो है यहां पर उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि केरला का जो रिजोल्यूशन है वो एक तरीके से रिजोल्यूशन कम प्रोटेस्ट ज्यादा है, यानी कि एक तरीके से रिजोल्यूशन जो है वो प्रोटेस्ट की फॉर्म में है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी कंट्री में ऐसी जो चीजें आप लोग लेकर आ रहे हैं वो सही नहीं है। यूनियन मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद साहब और केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इनके द्वारा निंदा की गई है कि ऐसा राज्य को नहीं करना चाहिए था, और बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है वो सेंट्रल लॉज यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आती है, ना कि स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट को इस तरीके से यहां पर ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि अगर बात करें यहां पर
सिटीजनशिप के मैटर के बारे में अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट जो है यहाँ पर वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकती, ऐसा कुछ बोला गया है। और ये बोला गया कि यहाँ पर इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखिए, आप लोग समझिए, इनके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया, इनके द्वारा लेजिस्लेशन पास नहीं किया गया कि ये लेजिस्लेटर यानी कि लॉ बना रहे हैं यहाँ पर इसके सिटीजनशिप के ऊपर। तो लॉ कोई बनाया नहीं गया क्योंकि वो सेंटर का पार्ट है, वो सेंटर ही बनाएगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो रिजोल्यूशन पास करना इज नॉट लाइक लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं आता है कि कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे राज्य की, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट कर सकता है, ये जस्ट एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, आराम से कर सकता है, ये ओनली एक तरीका एक्सप्रेशन है भैया, ये आराम से कर सकते हैं इस तरीके का। और इसीलिए उन्होंने 11 और राज्य के सीएम को बोला है कि आप लोग भी यहां पर अपना प्रोटेस्ट दिखाओ। तमिलनाडु तो पास्ट चेक करते ही रहते हैं, जब तमिलियन कम्युनिटी को श्रीलंका के अंदर मारा जा रहा है, तमिलनाडु पास्ट में कई बार ऐसे रिजोल्यूशन पास कर चुका है, तो फिर केरला ऐसा रिजोल्यूशन पास क्यों नहीं कर सकता है? तो ये कर सकता है और दूसरे राज्य भी कर सकते हैं, यहां पर कोई ऐसी गलत बात यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, और हो सकता है कोई सपोर्ट है तो सपोर्ट के लिए, और कोई सपोर्ट में नहीं है तो वो अपोज के लिए। तो केरला का जो रिजोल्यूशन है वो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि अब केरला को प्रिविलेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने चीफ मिनिस्टर को लाया जाएगा कि उन्होंने ऐसा गलत काम कर दिया यहां पर, नहीं, ये एक गलत तरीका होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री में सबके हाथ में पावर है, अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, तो प्रोटेस्ट की तरीके से यहां पर इसको लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हरकतें कर रही है वो सही तरीका यहां पर नहीं है, ठीक है। अब जान लेते हैं थोड़ा किसको लेकर यह सारा बवाल हो रहा है। ये हो रहा है सीएबी, हालांकि ये बी नहीं रहा, अब ए हो गया क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये एक्ट बन गया, अब बिल नहीं रहा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहां पर ये 12 दिसंबर को एसेंट इसको दीवार दिया गया, यानी कि अप्रूव कर दिया गया कि अब हमारी कंट्री में ये एक्ट है। क्या है एक्ट? इसमें अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी हो रही है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहती है, और वहां पर वो प्रोसिक्यूट हो रही है यानी कि उनको मारा जा रहा है, तो हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री में उनको वेलकम किया जाएगा और उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी आसानी से। सिटीजनशिप के बारे में बोल दिया इतना सारा, तो कहां पर है सिटीजनशिप? है यहां पर आर्टिकल, ये सिटीजनशिप है पार्ट सेकंड में। आप लोग ये बताइए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में, क्योंकि कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, यहां पर जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, उनको हमारी कंट्री में अलाउ किया जाएगा क्योंकि उनको वहां पर मारा जाता है। बाकी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी यहां पर उनको अलाउ करके बाकी मुस्लिम माइनॉरिटी को अलाउ नहीं कर रहे, और श्रीलंकन तमिलियन कम्युनिटी को भी अलाउ नहीं कर रहे जिनको मारा जा रहा है। और अगर यहां पर ये जो 6 कम्युनिटी हमारी कंट्री में आ जा रही हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर 31 दिसंबर को, तो इनको हमारी कंट्री में अलाउ किया जाएगा इलीगल माइनॉरिटी की तरीके से, इलीगल एंट्री की तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो ये भी एक फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसके चलते हमारी कंट्री में बार बार प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कट ऑफ डेट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोग मत रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। और आप लोगों का परसों एक आर्टिकल बचा हुआ था आप लोगों का, और इसी के साथ में पास्ट का भी आप लोगों का एक आर्टिकल बचा हुआ है, ठीक है। एक नहीं, 2 आर्टिकल बचे हुए हैं, तो वे जब भी टाइम मिलेगा कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, कंफ्यूज वो आप लोग परेशान मत होइएगा। मुझे सारा पता है कौन कौन से आर्टिकल आप लोग डिस्कस हो चुके हैं, कौन से नहीं, फिर भी आप लोगों को लगता है कि जाने अनजाने में मैंने कोई आर्टिकल छोड़ दिया है, तो आप लोग उसको जरूर बताएगा, उसको भी कवर किया जाएगा। हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है आशा, आशा वर्कर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ASHA, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट, तो एक्टिविस्ट लगाओ इनके सामने। तो इनके द्वारा बोला गया है कि इनकी एक तो वेज बढ़ाइए और दूसरा इनकी जॉब को परमानेंट कीजिए, क्योंकि देखिए एक तरीके से अनस्टेबल जॉब ये रहती है, जरा सी देर में कोई भी आशा ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लेता है फिर छोड़ के चला जाता है, तो इस तरीके से ये गलत है। तो ये चाहते हैं कि परमानेंट इनकी जॉब को किया जाए, तो ये प्रोटेस्ट पूरा कर्नाटका के अंदर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। हमारी कंट्री में 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन कहां पर चल रहा है? बेंगलुरु के अंदर। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? 107वां है। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर थीम क्या है इसकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के डेवलपमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूज सकते हैं, ये है इसकी थीम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर ये इंडियन साइंस कांग्रेस की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले ये कहां से स्टार्ट की गई? तो इसको स्टार्ट किया गया कोलकाता वेस्ट बंगाल से, जब इसको 1914 में स्टार्ट किया गया, तो फर्स्ट सेशन इसका 1914 में देखने को मिला 15 से लेकर 17 जनवरी तक, कहां पर? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। आज की डेट में जो मेंबर इसके बन चुके हैं 30,000 से ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो इसके मेंबर हैं, और जनवरी के फर्स्ट वीक में ये आप लोगों को यहां पर नजर आता है। तो ये अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि ये स्टार्ट किया गया है। इसका कोलकाता में 1914 में स्टार्ट किया गया था, फाउंडर यहां पर है जेएल सिमोनसन, और इसी के साथ है पीएस मैकमोहन, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है जो कि आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं।
अच्छा चलिए थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर लीजिए। 106 सेशन मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, वो सेशन कहां पर हुआ था और उसकी थीम क्या थी ये भी आप लोग बताइए। कई बार क्या होता है यूपीएससी आप लोगों से कई बार लगभग 2 साल तक के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है अगर किसी ने किसी तरीके से वो न्यूज में है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा अगर आप लोग थोड़ा सा कुछ जो इश्यूज है जो कंटिन्यूसली चले हुए आ रहे हैं तो उनको आप लोग अगर टाइम होगा आप लोगों के पास में पहले तो 1 साल का कवर करना है, अगर टाइम बचे तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है, बाकी मानना ना मानना तो आप लोग के हाथ में है, मेरा तो काम सजेशन देना है भैया। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के चलते जो सिचुएशन बनी, अब यहां पर बोला गया कि अगर कोई भी वहां पर जाकर रहना चाहते हैं, जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं, वहां पर रिजर्वेशन चाहते हैं, तो मिनिमम 15 साल वहां पर उनको रहना पड़ेगा। यानी कि जैसा हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा ही रूल और रेगुलेशन है, ऐसा जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए कि जॉब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर कहीं पर अपने लैंड राइट दिखाना चाहता है तो 15 साल मिनिमम वहां रहेगा, उसी को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से आश्वासन देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। नोबल लेरोट जो नोबल लेरोट थे हमारी जो अभी रिसेंटली जो ये दो हमारी कंट्री से कनेक्टेड जो प्राइज जीत कर आए इकोनॉमी के फील्ड में, नाम है अभिजीत बनर्जी और इनकी वाइफ का नाम है एस्थर दुफ्लो। ठीक है, तो इकोनॉमी में इनको नोबेल प्राइज मिला है 2019 के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में इनके द्वारा बोला गया है कि हमारी कंट्री में जो कॉरपोरेट टैक्स कट किया गया है उससे इकोनॉमी नहीं सुधरने वाली है, गरीब इंसान के हाथ में अगर पैसा पहुंचेगा वहां से इकोनॉमी सुधरेगी। ठीक है, यानी कि अमीर को और पैसा देकर अमीर बनाना उससे फायदा नहीं होगा, गरीब को पैसा देकर कुछ करो तो फायदा होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये किसके बारे में, अगर देखे कोई फीमेल, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक लड़का था जिसकी उम्र थी 17 साल, वो एक 21 साल की लड़की से शादी करना चाह रहा था, तो यहां पर कंडीशन क्या है, 17 साल क्या हो गया जो लड़के की एज है, बेसिकली हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि लड़के की एज जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता ही है हमारी कंट्री में जो लड़की की एज होनी चाहिए वो 18 और लड़के की एज 21 होनी चाहिए। तो एक तरीके से ये 17 साल यानी कि 18 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं बोला जाता है नॉर्मली बच्चा, उससे भी नीचे है, पर लेकिन हमारी कंट्री में जो लॉ है सेक्शन 9 ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, बोला जाता है अगर आप लोग यहां पर चाइल्ड मैरिज कराते हैं तो पनिश किया जाएगा, तो चाइल्ड मैरिज अगर फोर्सफुली आप लोग कराते हैं तो पनिश किया जाएगा। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि डोंट पनिश ए चाइल्ड फॉर मैरिंग ए फीमेल एडल्ट, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको पनिश आप लोग मत करो क्योंकि एक तो पहले से इच्छा से हो रही है और यहां पर ये खुद यहां पर शादी करने यहां पर चाह रहा है, कोई फोर्सफुली यहां पर इनके लिए शादी नहीं करा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का फंडा यहां पर बोला गया है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अगर खुद जो रक्षक है वो भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर सब इंस्पेक्टर जो पुलिस के उड़ीसा गवर्नमेंट के उनके द्वारा एक महिला को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की गई जब यहां पर वो अपना कंप्लेन जो दर्ज कराने गई थी, तो समझिए कौन वहां पर फिर जाकर एंट्री करेगा। नेक्स्ट यहां पर हमारे आर्मी चीफ जो है जो फिलहाल जो है ये है जनरल नरवाने, इनके द्वारा बोला गया कि देखिए नेशन एक ही न्यूक्लियर वॉर ही हर टाइम सॉल्यूशन है, जैसे बालाकोट स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये भी सॉल्यूशन होते हैं बिना न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर वॉर में घुसे हुए। अब हो सकता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई सिचुएशन देखने को मिले, क्योंकि प्रीएम्प्टिव जो मेजर लिए जाते हैं उसका मतलब यही होता है कि सामने वाले का स्टेप उठाने से पहले उसके ऊपर अटैक कर दो, तो हो सकता है यूएसए फिर से अटैक करे ईरान के ऊपर अगर उसको लगे कि ईरान ऐसा कुछ करने जा रहा है, उसकी इंटेलिजेंस फोर्स ऐसा कुछ बोले, तो टेंशन बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ये है स्कॉटिक मॉरिसन, इनके द्वारा अपनी विजिट जो है इंडिया की वो कैंसिल कर दी गई है, इनके वहां पर कंट्री में आग लगी हुई है तो वाइल्ड फायर की वजह से इन्होंने यहां पर ये विजिट कैंसिल कर दी गई है। ये यहां पर हमारी कंट्री में दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु में जाने वाले थे 13 से लेकर 16 जनवरी तक और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलने वाले थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कैंसिल कर दी गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटी मैंने आप लोगों को बताया कई बार खतरे में रहती है, तो अभी यहां पर इसी के चलते पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी से रिलेटेड यहां पर एक पर्टिकुलर जो वेंडलाइज किया गया एक पर्टिकुलर इमारत को, तो उसके चलते इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट यहां पर जाया किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रतन टाटा साहब जो है NCLAT के वर्डिक्ट के खिलाफ में जो कि रीइंस्टेट करने की बात करता मिस्त्री साहब को फिर से टाटा में, तो उसको यहां पर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप लोगों के लिए ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक क्वासी जुडिशियल है जो कि हमारी कंट्री में कंपनी एक्ट 2003 के हिसाब से एस्टेब्लिश की गई। ये जो रिकमेंड की गई थी ये जस्टिस जैन कमिटी, याद रखिएगा, जिसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। कौन होते हैं यहां पर इसके चेयरपर्सन, तो ये रिटायर्ड या फिर सर्विंग हाई कोर्ट के जज होते हैं और इसी के साथ में टेक्निकल मेंबर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो हाई कोर्ट के जज तो ऑलरेडी हैं, तो अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है इससे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसकी
16 ब्रांच देखने को मिलेगी जो कि न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, और एमएम कुमार रिटायर्ड जज जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए गए इसके प्रेसिडेंट ट्रिब्यूनल के। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे आप लोगों से मैं भी क्वेश्चन था यहाँ पर, यह दीपोर भील के बारे में, तो कहां पर लोकेटेड है ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आसाम के अंदर लोकेटेड है। इसको रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनाया गया 2002 में, तो इसी के साथ में यहाँ पर ये 40 स्क्वायर जो किलोमीटर रेंज में फैली हुई है। दीपोर भील जो है यहाँ पर, ये एक तरह संस्कृत जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एलिफेंट, ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाला गया है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर ये है कि एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में कनेक्टेड गुवाहाटी के अंदर में, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्विज है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, और हाँ अपने सजेशन आप लोग जरूर दीजिएगा जो मैंने आप लोगों से पूछे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहले कौन से असेंबली है जिसके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कंट्री विजिट करने से अभी मना कर दिया क्योंकि वहां पर आग लगी हुई है काफी लार्ज स्केल पर। नेक्स्ट यहां पर किस कंट्री के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा सिया पॉपुलेशन पाई जाती है। सिक्स माइनॉरिटी हमारी कंट्री में अलाउ की जा रही है, तो कट ऑफ डेट उसके लिए क्या रखी गई है। इंडियन साइंस कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहां पर है, और इसी के साथ में 2020 में अभी जो ये सेशन चल रहा है इसकी थीम कंप्लीट आप लोगों को करनी है। जम्मू और कश्मीर में अगर आप लोग यहाँ पर राइट चाहते हैं कुछ, तो कितने साल तक रहना आप लोगों के लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पास में पूछे गए थे। हमारी कंट्री में जो इनकम टैक्स है 2.5% जीडीपी का यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में बात की जा रही है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा अपनी किताब टारगेट 3 बिलियन जो कि यहाँ पर सृजन पाल सिंह के द्वारा मिलकर यहाँ पर लिखी गई थी, इसमें यहाँ पर आप लोगों को ये सारी बातें देखने को मिलती है। नेटो के यहाँ पर रिलेशन को लेकर जो तुर्की और यूएसए के बीच में खराब हो गए, तो S-400 मिसाइल रशिया से खरीद रहे हैं उसके चलते ये बर्बाद हुए रिलेशन। इसी के साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 यहां पर लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं। 107वां सेशन जो है वो यहां पर बेंगलुरु में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कीजिए, और अगर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए। सजेशन जो आप लोगों से मांगेंगे वो सजेशन जोड़ दीजिए। मॉर्निंग में जो वीडियो क्वेश्चन की आ रही है वो भी आप लोग एंजॉय करते रहिए, और बाकी क्या क्या चेंजेस कुछ भी आप लोग के माइंड में है तो वो आप लोग जरूर बताइए। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। 97,000 जो हमारी सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप भी पार्ट बन सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।